बहुत समय पहले बरखापुर गांव में दो सौतेली बहनें वृंदा और तुलसी अपनी माँ मालिनी के साथ रहती थी। तुलसी मालिनी की सौतेली बेटी थी, लेकिन मालिनी ने कभी भी वृंदा और तुलसी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। घर के आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से तुलसी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कपड़े सिलने का काम करती थी। दूसरी ओर उसकी सौतेली बहन वृंदा कॉलेज के बहाने अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करती थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फिर कुछ दिनों बाद दोनों का रिजल्ट आया, जहां एक ओर तुलसी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी, वहीं दूसरी तरफ वृंदा फेल हो गई। ये देख मालिनी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, वृंदा देख अपनी बड़ी बहन को, कितने अच्छे नंबरों से पास हुई है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो लोगों के कपड़े भी सिलती है, फिर भी कितने अच्छे नंबरों से पास हुई है। और एक तू है जो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। कुछ सीख अपनी बहन से। माँ तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो, ये सब झूठ है। मैं भी पढ़ाई करती हूँ, अगर नंबर नहीं आए तो इसमें मेरी क्या गलती है। देख वृंदा तुम मुझसे झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगी, समझी। अब से तुलसी की तरह तू भी काम कर, तभी तो जानेगी पैसे की कीमत। इतना बोलकर मालिनी वहाँ से गुस्से में चली गई। उस तुलसी की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो माँ उसी के गुण ही गाती रहती है। मुझे उसकी वजह से माँ से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अब मैं तुलसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन जब तुलसी अपनी माँ मालिनी के साथ घर का सामान लेने बाजार गई हुई थी, वृंदा ने चुपके से तुलसी के कमरे में गई और वहाँ पर सिलने रखे हुए कपड़े को जला दिया। थोड़ी देर में जब तुलसी और मालिनी बाजार से घर लौटी तो देखा कि उसके कमरे में आग लगी हुई थी। कमरे में रखे सारे कपड़े जल चुके थे। ये देख तुलसी बहुत उदास हो गई। तुलसी को उदास और परेशान देख वृंदा बहुत खुश हुई। माँ देखो ना, सारे कपड़े जल गए। वृंदा ये सब कैसे हुआ, तुम तो घर में ही थी ना, बताओ हमें। पता नहीं माँ, मैं तो अपने सहेली के साथ बाहर घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वृंदा अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, अब मैं ग्राहकों के कपड़े वापस कैसे दूंगी, मेरी सिलाई मशीन भी जल गई माँ। जब ये बात मोहल्ले में रहने वाली औरतों को पता चली जिन्होंने तुलसी को सिलने के लिए कपड़े दिए थे, तुलसी मैंने तुम्हें बहुत महंगा ड्रेस दिया था सिलने के लिए, वो तुमने जला दिया, मुझे उसके पैसे दो। तुमने मेरे भी इतने महंगे कपड़े जला दिए, मुझे भी मेरे कपड़े के पैसे चाहिए। अगर हमें पता होता तुम इतनी लापरवाह हो तो हम तुम्हें इतने महंगे कपड़े सिलने देते ही नहीं। अब तो बस हमारे पैसे दे दो। ऐसा कहते हुए सभी औरतें तुलसी से पैसे मांगने लगी। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपके कीमती कपड़े जल गए, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आप सभी का पैसा जल्द ही लौटा दूंगी। ठीक है, हम तुम्हें 15 दिन का समय देते हैं, यदि 15 दिन में हमारे पैसे नहीं लौटाए तो देख लेना, हमारे पास और भी रास्ते हैं पैसे निकलवाने के। इतना कहकर सभी औरतें वहाँ से चली गई। वही तुलसी चिंता में पड़ गई और बोली, इतने कम समय में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? इतनी जल्दी तो कोई मुझे काम पर भी नहीं रखेगा। बेटी तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। फिर अगली सुबह तुलसी काम की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम हो चुकी है, मुझे घर लौट जाना चाहिए, माँ चिंता कर रही होगी। थकी हारी तुलसी चलते चलते रास्ता भटक गई और जंगल की ओर जाने लगी। तभी उसने जंगल के अंदर सुंदर सुंदर फल से लदे हुए पेड़ देखे। क्यों ना मैं इन फलों को तोड़कर बेच दूं और फल बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे, वो पैसे मैं उन औरतों को दे दूंगी। ये कहकर जैसे ही वो फल तोड़ने आगे बढ़ी, तभी वहाँ एक बूढ़ी जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की और यहाँ के फल तोड़ने की। ये जंगल मेरा है, अगर तूने यहाँ के किसी भी चीज को छुआ तो मैं तुझे हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए फल तोड़ने जा रही थी।
ये कहते हुए तुलसी ने अपने घर के हालात के बारे में बूढ़ी जादूगरनी को बताया। ये सुनकर बूढ़ी जादूगरनी को तुलसी पर दया आ गई। वो जादूगरनी एक अच्छी और नेक जादूगरनी थी। अच्छा, तो ये बात है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आओ, डरो नहीं। ये कहते हुए जादूगरनी तुलसी को अपनी गुफा में ले गई, जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस गुफा के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे लटके हुए थे। तुलसी, ये एक लहंगे का पेड़ है, मैं ये पेड़ आज से तुम्हें देती हूँ। इस पेड़ की मदद से तुम बहुत ही जल्द अमीर बन जाओगी। चलो, इस पेड़ को मैं तुम्हारे घर पर लगा देती हूँ। पलक झपकते ही जादूगरनी अपने जादू से कुछ ही मिनटों में उस जादुई लहंगे के पेड़ को तुलसी के घर के पीछे वाले बगीचे में लगा दिया। ये देख तुलसी बहुत खुश हुई और जादूगरनी का धन्यवाद कहते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, आप सच में बहुत ही दयालु और अच्छी जादूगरनी हो। जादूगरनी तुलसी से विदा लेकर अपने गुफा लौट गई। फिर अगले दिन से तुलसी जादुई लहंगे के पेड़ से लहंगे लेकर बेचना शुरू कर दिया। लहंगे इतने सुंदर थे कि कोई उसे खरीदे बिना रह नहीं पाया और कुछ ही मिनटों में उसके सारे लहंगे बिक गए और तुलसी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। तुलसी ने जल्द ही उन सभी औरतों के पैसे लौटा दिए। लेकिन जब ये बात वृंदा को पता चली, वो ईर्ष्या से जल उठी। चलो कोई बात नहीं, मैं उस पेड़ को भी जलाकर राख कर दूंगी, फिर देखती हूँ। रात के समय सबके सो जाने के बाद जैसे ही वृंदा उस पेड़ को जलाने के लिए आगे बढ़ी, तभी उस पेड़ में से आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर वृंदा काफी डर गई। हे भगवान, इस पेड़ में से आग कैसे निकल रहे हैं? लगता है ये कोई भूतिया पेड़ है, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये पेड़ मुझे जलाकर राख कर देगा। ये कहकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन आग का गोला उसका पीछा करने लगा। ये देख वृंदा मदद के लिए जोर जोर से तुलसी को पुकारने लगी। आवाज सुनकर तुलसी भागते हुए आ पहुंची और जादुई लहंगे के पेड़ से अपनी बहन वृंदा की तरफ से माफी मांगी और वृंदा को माफ करने के लिए कहा। ये देख वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुलसी से अपने किए की माफी मांगी। तुलसी ने वृंदा को माफ कर उसे गले से लगा लिया। दोनों बहनों के बीच प्यार देख मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से जादुई लहंगे की मदद से तुलसी बहुत अमीर बन गई और वो अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे जादुई लहंगे की पेड़ की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।